हेलो एवरीवन हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन के हार्डवेयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनके आंसर देखने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए चलिए इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ पहला है सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दूसरा है इनपुट डिवाइस तो इनपुट डिवाइस में सारे जो, जो भी इनपुट डिवाइस आते हैं माउस की स्कैनर इनके बारे में देखेंगे फिर आता है आउटपुट डिवाइस इसके अंतर्गत आएगा मॉनिटर प्रिंटर उसके बारे में देखेंगे फिर प्रिंटर और उसके जो टाइप्स हैं वो देखे देख लिया जाएगा इस इसपे और लास्ट में पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर में जो भी अलग से पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं क्या क्या होती है उनके बारे में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है वेयर वुड यू फाइंड द लेटर्स क्वेरिटी आप क्वेरिटी अक्षर कहा अक्षर कहाँ देखने को मिलेगा ऑप्शन है ए माउस बी स्क्रीन सी न्यूमेरिक की पैड और डी कीबोर्ड तो देखिये आप अगर कीबोर्ड को देखेंगे तो की बोर्ड में जो सबसे ऊपर वाले अल्फाबेटिक्स की जो सबसे ऊपर वाली रो होती है उस पे जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं क्यू डब्ल्यू आर टी वाई मतलब ये क्वेरिटी पूरे सीक्वेंस में होते हैं तो हमें क्वेरिटी कहाँ देखने को मिलेगा की में देखने को मिलेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी की अगला प्रश्न वॉट आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज वेन प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम कंप्यूटर गेम खेलते समय आप सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करते हैं ऑप्शन हैं ए टच स्क्रीन बी लाइट पेन सी नोटपैड और डी जॉयस्टिक चलिए देखते हैं टच जो गेम खेलने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो होती है जॉयस्टिक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जॉयस्टिक अगला प्रश्न है हार्ड कॉपी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब जो हार्ड कॉपी शब्द है वो शब्द किस से, किस चीज को डिस्क्राइब करता है ऑप्शन है ए प्रिंटेड आउटपुट मतलब प्रिंट किया हुआ आउटपुट बी राइटिंग ऑन अ हार्ड बोर्ड हार्डबोर्ड पर लिखना सी स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क पर कोई जानकारी स्टोर करना या डी ऑल ऑफ अब तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटेड आउटपुट जो प्रिंटेड आउटपुट होता है प्रिंट किया हुआ आउटपुट आपके पास हार्ड कॉपी जो पेजेस में प्रिंट किए हुए आउटपुट होते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाते हैं अगला प्रश्न है डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील किस चीज का प्रकार है ऑप्शन है ए स्टोरेज डिवाइस मतलब भंडारण युक्ति बी पॉइंटिंग डिवाइस सूचक युक्ति सी प्रिंटर और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर जो डेजी व्हील होता है वो प्रिंटर का एक प्रकार है डेजी व्हील प्रिंटर और ये डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है अगला प्रश्न देखेंगे बाई एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स कैरेक्टर बाई यूजिंग जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो किसका यूज करके अक्षर बनाता है ऑप्शन है एन इंक रिबन एंड प्रिंट हेड मतलब एक स्याही वाला रिबन और प्रिंट हेड दूसरा इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक मतलब विद्युत से चार्ज की हुई इंक तीसरा है एन इंक पेन मतलब एक स्याही वाला कलम और डी है ऑल ऑफ दी अब उपरोक्त सभी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन इंक रिबन एंड प्रिंट हेड मतलब एक स्याही वाला रिबन इंक वाला रिबन और प्रिंट हेड की जरूरत होती है इम्पैक्ट प्रिंटर में अगला प्रश्न है वॉट डू यू नीड फॉर एन इंक जेट प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी ऑप्शन है एक ड्रम बी है एक कार्ट्रिज मतलब एक कार्ट्रिज की सी है रिबन और डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ट्रिज ऑप्शन नंबर बी एक कार्ट्रिज मतलब हमें एक कार्ट्रिज की आवश्यकता होगी इंक जेट प्रिंटर के लिए और उस कार्ट्रिज में क्या होगा इंक फिल किया जाएगा उसके बाद ही हम उसे प्रिंटर पे यूज करके कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं अगला प्रश्न है एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज कंप्यूटर का को कोई भी घटक जिसे आप देख और छू सकते हैं वह क्या है ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर बी पेरिफेरल, सी सीपीयू और डी हार्डवेयर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई भी ऐसा घटक कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसे आप देखने के साथ साथ टच भी कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है अगला प्रश्न है एंड डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउस यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर एक फिल इन द ब्लैंक डिवाइस जो कम, कोई हार्डवेयर घटा के कंप्यूटर का और ये कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को दर्ज करने की अनुमति देता है उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं ए इंट्रैक्शन बी इनपुट सी कम्युनिकेशन मतलब संचार और डी आउटपुट तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट इनपुट डिवाइस क्या करती है कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी निर्देश कोई भी डेटा को भेजने के लिए हेल्प करती है अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ हार्डवेयर निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है ऑप्शन है आप प्रोसेसर चिप बी है प्रिंटर सी माउस और डी जावा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जावा देखिए प्रोसेसर चिप भी एक हार्डवेयर है जिसे आप देखने के साथ साथ टच भी कर सकते हैं प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है और माउस भी एक हार्डवेयर है लेकिन जावा क्या है एक प्रकार की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जावा अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर की बोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर का की बोर्ड है वो किस चीज का उदाहरण है ऑप्शन दिए हुए हैं ए मेमोरी डिवाइस बी इनपुट डिवाइस सी आउटपुट डिवाइस और डी बी एंड सी दोनों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड क्या है एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर गेट्स फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और कीबोर्ड कंप्यूटर माउस जॉयस्टिक या कीबोर्ड की सहायता से क्या प्राप्त करता है ऑप्शन है ए इंसर्ट बी डिलीट सी इनपुट और डी आउटपुट तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट कंप्यूटर क्या करता है माउस uh, जॉयस्टिक और कीबोर्ड की सहायता से इनपुट प्राप्त करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न देखते हैं विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉग टोगल की निम्नलिखित में से कौन सी की टॉगल की के अंतर्गत आती हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं ए कैप्स लॉग बी नम लॉक सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों मतलब कि कैप्स लॉक भी टॉगल की के अंतर्गत आता है और लॉक भी टॉगल की के अंतर्गत आता है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अगला प्रश्न है द कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इन टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ इन द ब्लैंक कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका किसका उपयोग है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए प्लॉटर बी स्कैनर सी प्रिंटर और डी कीबोर्ड तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। ये बोल रहा है एंटर करना मतलब हम किस चीज की हेल्प से डेटा को एंटर करके भेज सकते हैं तो ये है कीबोर्ड कीबोर्ड में कीज होती हैं कई सारी अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट भी होते हैं नंबर भी होते हैं तो अगर हमें टेक्स्ट इनपुट देना है तो हम टेक्स्ट वाली की यूज कर सकते हैं और अगर हमें नंबर वाला इनपुट देना है तो हम न्यूमेरिकल की यूज कर सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की अगला प्रश्न देखते हैं टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द फिल इन द ब्लैंक की अगर टेक्स्ट के किसी भी पंक्ति के हमें स्टार्टिंग में जाना है आरंभ में जाना है तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे ऑप्शन है ए पेज अप, बी शिफ्ट, सी होम और डी एंटर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होम ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ठीक है अगला प्रश्न है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी जो शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट की होती है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उदाहरण हैं किस प्रकार की, की के अंतर्गत आती हैं ऑप्शन है ए मॉडिफायर कीज मतलब संशोधक कुंजी बी प्राइमरी कीज मतलब प्राथमिक कुंजी सी फंक्शन कीज मतलब फंक्शन वाली कीज डी ऑल्टरनेट कीज मतलब वैकल्पिक कुंजी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर कीज मॉडिफायर मतलब संशोधक कीज के कुंजी के अंतर्गत आती है कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट की अगला प्रश्न देखते हैं टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस जो कंप्यूटर माउस है वो किस प्रकार का उपकरण है ऑप्शन है ए स्टोरेज मतलब भंडारण बी आउटपुट मतलब आउटपुट सी इनपुट और डी इनपुट और आउटपुट दोनों तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस जो माउस है वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है अगला प्रश्न है पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स फॉलोविंग एक्सेप्ट मतलब कि जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो फिल इन द ब्लैंक को छोड़ के क्या क्या चीजें उसमें होती हैं किस किसे छोड़ के बाकी की पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती हैं ऑप्शन है ए माउस बी जॉयस्टिक सी ट्रैक बॉल और डी कीबोर्ड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड कीबोर्ड को छोड़कर माउस जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है जबकि कीबोर्ड क्या है कीबोर्ड का यूज आप डेटा को एंटर करने के लिए करते हैं यह भी एक इनपुट डिवाइस है लेकिन यह पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है अगला प्रश्न है फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज जो पहला कंप्यूटर माउस था वो किसके द्वारा बनाया गया था ऑप्शन दिए हुए हैं ए डगलस एंजल बार्ट बी विलियम इंग्लिश सी ओइनियल कुघेर और डी रॉबर्ट जवाकी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डगलस एंजल बार्ट जो सबसे पहला कंप्यूटर माउस था वो डगलस एंजल बार्ट ने बनाया था अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस दोनों है मतलब कि किसका यूज करके आप किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसको पॉइंट भी कर सकते हैं या इमेज या कोई भी ड्राइंग बनाना है तो ड्रॉ भी कर सकते हैं चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए माउस बी स्कैनर सी प्रिंटर और डी सी डी रोम तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए माउस माउस एक, एक ए, ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं साथ ही साथ आप अगर पेंटिंग टूल का यूज करके कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं अगला प्रश्न दिया है कीबोर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और क्या फिल इन द ब्लैंक इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है तो देखते हैं ऑप्शन ए मॉनिटर बी मॉडेम सी प्रिंटर और डी माउस तो देखिए मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है मॉडेम इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है ये किसी प्रकार की इनपुट डिवाइस नहीं है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी माउस आंसर है ऑप्शन नंबर डी माउस माउस और कीबोर्ड दोनों इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल है वो किसका है ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग डिवाइस बी पॉइंटिंग डिवाइस सी आउटपुट डिवाइस और डी सॉफ्टवेयर डिवाइस तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जिस प्रकार से माउस और जॉय स्टेक होता है वो किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है उसी प्रकार से ट्रैक बॉल भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन को स्क्रीन पे दिए हुए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है अगला प्रश्न देखेंगे विच बटन इज कॉल्ड एज मिडिल बटन यूज एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट निम्नलिखित में से कौन सी बटन है जिसे मध्य बटन भी कहा जाता है और जिसे दबाने पर हम तीसरे माउस बटन के रूप में उसको यूज कर सकते हैं तो देखिए सबको पता है कि माउस में दो बटन होती हैं एक होता है लेफ्ट क्लिक और दूसरा होता है राइट क्लिक उसके अलावा एक और आपको बटन दिखाई देगी जो दोनों लेफ्ट और राइट क्लिक के बीचों बीच होती है छोटी सी चक्री जैसे एक व्हील जैसी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शन देखेंगे ए है राइट बटन बी स्क्रॉल व्हील सी है हमारा ट बार और डी है लाइट बार तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्क्रॉल 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 व्हील इसको हम बार बार भी कहते हैं का यूज करते हैं आप अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं बहुत सारे पेजेस हैं उसमें कोई पीडीएफ फाइल है या कोई वर्ड फाइल है उसमें काफी सारे पेजेस हैं तो पेजेस में ऊपर और नीचे की तरफ जाने के लिए हम स्क्रॉल व्हील का यूज करते हैं इसको स्क्रॉल बार भी कहते हैं अगला प्रश्न देखेंगे अ जॉयस्टिक अलाउस मूवमेंट इन विच एंगल जो जॉर्ज स्टिक होता है वो किस कोण में गति की अनुमति देता है मतलब वो कौन कौन से एंगल तक ही हम उसे मूव कर सकते हैं ये बताना है ऑप्शन है थर्टी डिग्री बी है सिक्सटी डिग्री सी 90 डिग्री और डी है थ्री सिक्सटी डिग्री तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी थ्री सिक्सटी डिग्री अगला प्रश्न है अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज टू इन द ब्लैंक जो जॉयस्टिक होता है उसका यूज मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है तो चार ऑप्शन इसमें है ए है कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन मतलब कि स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए बी है कंप्यूटर गेमिंग मतलब कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए सी है एंटर डेटा एंटर टेक्स्ट मतलब की टेक्स्ट को एंटर करने के लिए और डी है ड्रॉ अ पिक्चर मतलब चित्र बनाने के लिए तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर गेमिंग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है अगला प्रश्न देखते हैं द ब्लैंक इज जनरली यूज इन एप्लीकेशन लाइक ए टी एम हॉस्पिटल एयरलाइन रिजर्वेशन ई टी सी इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसका यूज आमतौर पर ए टी एम हॉस्पिटल और एयरलाइन में रिजर्वेशन आदि के लिए करते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं ए लाइट पेन बी टच स्क्रीन सी जॉय स्टिक और डी ट्रैक बॉल तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टच स्क्रीन टच स्क्रीन देखा होगा अगर आप एटीएम जाते हैं कोई पैसे वगैरह विद्रॉ करने के लिए तो एक स्क्रीन होती है नॉर्मली उस पर आपको क्या करना पड़ता है टच करके पिन एंटर करना पड़ता है फिर आपको कितना अमाउंट चाहिए वो आपको एंटर करना पड़ता है एक स्क्रीन को टच करके तो वो जो होती है टच स्क्रीन वगैरह एटीएम हॉस्पिटल और एयरलाइंस में यूज किया जाता है अगला प्रश्न है डिवाइस विच इज यूज फॉर मेकिंग ड्रॉइंग्स ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है चित्र बनाने ग्राफिक्स बनाने और मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं तो देखिए कुछ देर पहले एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ड्रॉ करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं और पॉइंट करने के लिए लेकिन अगर वहां पे हमारे पास माउस ऑप्शन नहीं होता उसकी जगह लाइट पेन ऑप्शन होता तो हमें लाइट पेन पे क्लिक करना पड़ता तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ए की बोर्ड बी माउस है सी टच स्क्रीन है और डी लाइट पेन है तो देखिए इसका सही आंसर जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी लाइट पेन लाइट पेन एक प्रकार का पेन होता है जैसे नॉर्मली हम पेन यूज करते हैं उस प्रकार की एक डिवाइस होती है जिसे हम डायरेक्टली कंप्यूटर की स्क्रीन पर चला के कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्राफिक्स भी बना सकते हैं अगला प्रश्न देखेंगे अ बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक जो बारकोड रीडर होता है वो किस चीज का उदाहरण है ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग डिवाइस बी स्टोरेज डिवाइस सी इनपुट डिवाइस और डी आउटपुट डिवाइस तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस बारकोड रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है अगला प्रश्न देखेंगे द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड जो अधिकांश प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रिंटेड लाइन्स होती हैं उसे क्या कहते हैं देखा होगा ना आपने इस प्रकार की प्रिंटेड लाइंस होती हैं, बार्स बने हुए होते हैं कुछ लाइन पतली होती है कुछ लाइन काफी ज्यादा डार्क दिखाई देती है बोल्ड दिखाई देती तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑप्शन है ए प्राइस मतलब कीमत बी ओसीआर सी स्कैनर या डी बारकोट तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बारकोट जो लाइन्स होते हैं वो बारकोड कहलाते हैं और इनको रीड करने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है एक एक अलग से डिवाइस होती है जिस डिवाइस को क्या कहा जाता है बारकोड रीडर कहा जाता है और बारकोड रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ चेक आर प्रोसेस्ड बाई यूजिंग जो बड़ी मात्रा में चेक होता है उसको प्रोसेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है ऑप्शन है ए सी आर बी एम आई सी आर ओ एम आर और डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अब तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम आई सी आर एम आई सी आर जो होता है बैंक्स में यूज किया जाता है ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है और ये चेक वगैरह में जो भी नंबर लिखे होते हैं स्पेशल जो अलग से इंक होती है मैग्नेटिक इंक होती है उससे कुछ चेक में नंबर लिखे होते हैं उसको रीड करने के लिए उसको चेक करने के लिए वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन अगला प्रश्न देखेंगे एक ऐसी डिवाइस जो कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाता है जो पार्ट मतलब टेक्स्ट और इमेजेस को पुनः प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं तो ऑप्शन इसमें है ए सी पी यू बी मेमोरी सी प्रिंटर और डी स्कैनर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्कैनर स्कैनर क्या करता है स्कैनर जो भी इमेजेस हैं आपके पास या टेक्स्ट है हार्ड कॉपी में उसको स्कैन करके उसकी एक कॉपी बना के कंप्यूटर में स्टोर कर देता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों को पहचानती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं ए स्मार्ट कार्ड, डी एम आई सी आर तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बायोमेट्रिक सेंसर बायोमेट्रिक सेंसर क्या करता है आ, जैसे अगर आपने किसी कहीं पे सेंसर लगा दिया है तो वहां पे अगर कोई आया या कोई वहां से निकल रहा है गुजर रहा है तो आपको एक आवाज आने लगेगी बीप की आवाज आने लगेगी जिससे पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पर आया है जैसे कोई आपका ऑफिस है आप चाहते हैं वहां पर कोई ना आए तो आप वहां पर बायोमेट्रिक सेंसर लगा सकते हैं जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे एंटर करता है तो वो बायोमेट्रिक सेंसर की वजह से वहां पे बीप की आवाज या कोई आवाज आने लगती है जिससे आपको पता चल जाता है कि वहां कोई ना कोई गया है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इन टू अ कंप्यूटर इज फिल फिल इन इज द द ब्लैंक कंप्यूटर में मुद्रित आरेख प्राप्त करने के लिए कि यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन सा है मतलब कि अगर आपके पास कोई प्रिंटेड चीजें हैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप कंप्यूटर के अंदर चाहते हैं कि वो कंप्यूटर के अंदर उसे स्टोर कर लें तो हम किस डिवाइस का यूज करेंगे ऑप्शंस हैं ए प्रिंटर बी स्कैनर सी कीबोर्ड और डी टचपैड तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी स्कैनर स्कैन करके हम उसे क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं अगला प्रश्न है इट इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस यह एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है इनमें से क्या है जो वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है ऑप्शंस दिए हैं ए वेबकैम, बी माइक्रोफोन सी मॉनिटर और डी माउस तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैब कैम वैब कैम एक प्रकार का कैमरा है जिसका यूज करके हम वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं और कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं अगला प्रश्न देखते हैं स्कैनर स्कैनर फिल इन द ब्लैंक एक है है वो क्या स्कैन करता ऑप्शन बी टेक्स्ट बी सी है बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट मतलब चित्र और टेक्स्ट दोनों और डी है ना इधर पिक्चर नॉट टेक्स्ट मतलब ना तो चित्र को वो स्कैन करता और ना ही पिक्चर को तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट मतलब कि जो स्कैनर uh, होता है वो पिक्चर को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है अगला प्रश्न देखेंगे वॉट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है ऑप्शन दिए हुए हैं ए इनपुट बी आउटपुट सी सॉफ्टवेयर और डी स्टोरेज तो डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस के अंतर्गत आएगी एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगी क्योंकि क्या करता है ये बाहर के जो भी चल रहा है आसपास हमें कोई पिक्चर क्रिएट करनी है मतलब हमें कुछ स्टोर कराना है कंप्यूटर में तो हम डिजिटल कैमरा का यूज करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोविंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस निम्नलिखित में से कौन से ग्रुप में केवल इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं देखेंगे ए है माउस कीबोर्ड और मॉनिटर मतलब इसमें एक माउस तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है लेकिन मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है तो ये तो नहीं आएगा दूसरा है माउस मतलब ये है कीबोर्ड ये भी है और मॉनिटर प्रिंटर तो प्रिंटर तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा तीसरा है सी नंबर माउस सही है कीबोर्ड भी सही है और नेक्स्ट है प्लॉटर तो प्लॉटर नहीं आती इनपुट डिवाइस के अंतर्गत तो ये भी गलत हो गया मतलब हमारा सही आंसर कौन सा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी जिसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है माउस आ रहा है इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है माउस कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों ग्रुप जो है ये तीनों है जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं वॉट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर बी प्रोसेसिंग सी आउटपुट और डी इनपुट तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आउटपुट डिवाइस अगला प्रश्न है विच एमंग फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एनी एनिमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई देती है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए यूनिट बी पिक्सल सी एरे और डी रिजोल्यूशन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिक्सल जो भी इमेज है उस उसका एक सिंगल डॉट जो कहलाता होता है वो क्या कहलाता है पिक्सल कहलाता है और कई सारे पिक्सल्स से बन के मिलकर एक इमेज क्रिएट होती है अगर किसी इमेज में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज उतनी क्लियर दिखाई देगी और किसी इमेज में अगर पिक्सल्स कम हैं तो इमेज उतनी ही हमें कटी फटी सी ब्लर सी दिखाई देगी ठीक है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न देखते हैं सॉफ्ट कॉफी रिफर्स सॉफ्ट कॉपी रिफर्स टू द ब्लैंक जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो किसे संदर्भित करता है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए प्रिंटेड आउटपुट बी डिजिटाइजिंग मतलब डिजिटलीकरण सी म्यूजिक मतलब संगीत और डी स्क्रीन आउटपुट तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्क्रीन आउटपुट जो स्क्रीन पे दिखाया हुआ आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है और जब हम उसे प्रिंट कर लेते हैं पेपर पर तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक प्रिंटर जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है सभी को पता है इसका आंसर ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस बी है इनपुट डिवाइस सी है प्रोसेसिंग डिवाइस और डी है स्टोरेज डिवाइस तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए आउटपुट डिवाइस प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है अगला प्रश्न देखेंगे फिल इन द ब्लैंक प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर निम्नलिखित में से क्या है जो पेपर पर हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है तो देखा मैंने बताया था ना प्रिंट अगर हम पेज पे प्रिंटेड आउटपुट हमें अगर पेज पे हम किसी आउटपुट को प्रिंट कर लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाता है तो हम पेज पे किसी आउटपुट को प्रिंट किसकी सहायता से करेंगे प्रिंटर की सहायता से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर ठीक है तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर ये हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है अगला प्रश्न देखेंगे ब्लैंक एट अ टाइम निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है जो एक समय में एक से अधिक प्रिंटर को एक से एक से अधिक अक्षर को प्रिंट नहीं कर सकता ऑप्शंस दिए हुए हैं ए लाइन प्रिंटर बी डेजी व्हील प्रिंटर लेजर प्रिंटर और डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटर एक प्रकार का है और यह काफी स्लो चलने वाला प्रिंटर है टाइप कर सकता है अगला प्रश्न देखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरल इक्विपमेंट इज इन द ब्लैंक जो पेरीफेरल डिवाइस होते हैं उसका उदाहरण क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं ए प्रिंटर बी सी पी यू सी स्प्रेडशीट और डी माइक्रो कंप्यूटर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर प्रिंटर एक प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस है पेरिफेरल डिवाइस मतलब क्या होता है अगर हम कंप्यूटर में आ, कोई अलग से डिवाइस ऐड करते हैं जैसे स्कैनर ऐड किया या प्रिंटर ऐड किया कीबोर्ड माउस या स्पीकर हम कंप्यूटर में अलग से जो भी डिवाइस को जो भी हार्डवेयर डिवाइस ऐड करते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है अगला प्रश्न देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज फिल इन द ब्लैंक जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है ऑप्शन है ए यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशी बी बाई डायरेक्शनल मतलब द्वि दिशी दोनों दिशाओं में काम करने वाला सी सिक्वेंशियल और डी रैंडम तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाई डायरेक्शनल जो मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो बाय डायरेक्शनल होते हैं अगला प्रश्न है ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिलेंद ब्लैंक जो ड्रम प्रिंटर है वो किसका उदाहरण है ऑप्शन दिए हुए हैं ए इनपुट बी आउटपुट सी प्रोसेसिंग और डी स्टोरेज तो देखिए प्रिंटर प्रिंटर है printer एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है तो ड्रम प्रिंटर भी आउटपुट ही होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस अगला प्रश्न देखते हैं द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फिल इन द ब्लैंक जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो किस प्रकार के प्रिंटर होंगे तो ये भी एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आएंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस चार दिए हुए हैं सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न देखते हैं द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फिल इन द ब्लैंक जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसके एग्जाम्पल निम्नलिखित में से क्या है चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए लेजर प्रिंटर और मैट्रिक्स प्रिंटर बी इंकजेट और लेजर इंकजेट और और डी ओनली डॉट मैट्रिक्स तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर और लेज़र लेज़र प्रिंटर प्रिंटर जो और हैं ये नॉन इंपैक्ट के अंतर्गत आते हैं जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो और डेजी व्हील प्रिंटर होता है ये इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न देखेंगे इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज ब्लैंक सरफेसिंटर में ड्रम की फिलिंदा ब्लैंक सतह होती है उस पर लेजर प्रिंट प्राप्त होता है तो ये क्या है किस चीज को हम विक्षेपित किसकी सतह पर लेजर बीम को डाला जाता है तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए मैग्नेटाइज मतलब चुंबकित बी फोटो सेंसिटिव मतलब प्रकाश संवेदनशील सी है मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय और डी है या तो ए या तो बी तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी फोटो सेंसिटिव मतलब कि प्रकाश संवेदनशील एक सतह होती है सरफेस होता है जिसमें लेजर बीम को क्या किया जाता है विक्षेपित किया जाता है डिफ्लेक्ट किया जाता है उसके बाद ही कोई कोई कैरेक्टर या कोई भी पेज हमें प्राप्त होता है प्रिंट में अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर हाई क्वालिटी आउटपुट निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं ए नॉन इम्पैक्टर बी इम्पैक्ट प्रिंटर सी डॉटमेट्रिक्स प्रिंटर और डी ए और बी दोनों तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है वो काफी इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा काफी फास्ट होते हैं स्पीड में और ये बेटर क्वालिटी के आउटपुट प्रोवाइड करते हैं अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक जो लेजर प्रिंटर है वो किस प्रकार से संबंधित है ऑप्शन दिए हुए हैं ए लाइन प्रिंटर बी बैंड प्रिंटर सी पेज प्रिंटर और डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है मतलब वो एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है अगला प्रश्न देखते हैं हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर द ब्लैंक जो हार्ड कॉपी होती है वो किसका यूज करके तैयार किया जा सकता है तो ऑप्शंस देखते हैं ए लाइन प्रिंटर है सी टाइप राइटर टर्मिनल है और डी ऑल ऑफ दार्ड कॉपी की बात यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है हार्ड कॉपी किससे मिलता है इसमें यह नहीं बोला जा रहा है जल्दी मिलता है या लेट मिलता है उसको हार्ड कॉपी से मतलब है क्वेश्चन को तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी मतलब उपरोक्त सभी क्योंकि लाइन प्रिंटर है ये भी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है भले ही ये धीरे चलता है लेकिन ये भी हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा और जो टाइप राइटर टर्मिनल होता है ये भी हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी दबव अगला प्रश्न देखेंगे इट इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्रॉइंग्स और इमेजेस सच कंस्ट्रक्शन प्लान ब्लू प्रिंट और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ईटीसी एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ बड़े चित्र जो होते हैं बड़े बड़े ग्राफिक्स होते हैं उनको बनाने के लिए या ब्लू प्रिंट आदि प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है तो वो डिवाइस क्या कहलाती है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए प्रिंटर बी प्लॉटर सी एम आई सी आर और डी ओ सी आर तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर प्लॉटर जो होता है प्रिंटर की तरह ही एक डिवाइस है आउटपुट डिवाइस लेकिन ये क्या करता है प्रिंटर छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है जो जबकि प्लॉटर क्या होता है ये बड़े बड़े बैनर्स बड़े बड़े पोस्टर्स ब्लू प्रिंट हैं बड़े बड़े मैप है इन सभी को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है और ये हाई क्वालिटी के आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं अगला प्रश्न देखेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट मतलब किससे छोड़कर निम्नलिखित सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं ऑप्शन देखेंगे इनपुट डिवाइस के उदाहरण सॉरी हमें यह देखना है कि इनमें से एक आउटपुट डिवाइस है बाकी के सब इनपुट डिवाइस हैं। तो क्या है जो आउटपुट डिवाइस है ऑप्शन है ए स्कैनर बी बी सी आर सी की और डी प्रिंटर तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जबकि स्कैनर बीसीआर मतलब कि कोड रीडर और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं अगला प्रश्न देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स जो कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स होते हैं वो किस प्रकार की डिवाइस है ऑप्शन दिए हुए हैं ए इनपुट बी इनपुट एंड आउटपुट दोनों C, software, और डी आउटपुट तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आउटपुट डिवाइस और होते हैं वो output device हैं वो अगला प्रश्न है ब्लैंक एक जो पैरेलल पोर्ट होता है उसका अक्सर किसके द्वारा यूज किया जाता है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए प्रिंटर बी मॉनिटर सी माउस और डी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बाहरी भंडारण उपकरण तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर जो पैरल पोर्ट है वो प्रिंटर के द्वारा यूज किए जाते हैं अगला प्रश्न है द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीपीयू टू ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू फिल इन द ब्लैंक जो कंप्यूटर से सीपीयू से कंप्यूटर के अदर पेरिफेरल डिवाइस के बीच में डेटा का ट्रांसफर होता है वो किसकी सहायता से होता है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए इंटरफेस बी बफर मेमोरी सी मॉडेम और डी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मतलब पोर्ट्स मतलब कि सीपीयू में अगर हमें डेटा भेजना है पेरिफेरल डिवाइस से तो हम क्या करेंगे इनपुट का यूज करेंगे और जब प्रोसेसर जब वो सीपीयू से प्रोसेस कर देगा तो वो दूसरी पेरिफेरल डिवाइस मतलब मॉनिटर की तरफ डेटा को भेजेगा तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होगा इसका सही आंसर अगला प्रश्न है डवेयर इनमें से कौन सा हार्डवेयर आइटम के अंतर्गत नहीं आता है ऑप्शन दिए हुए हैं ए एम पी थ्री फाइल बी की बोर्ड सी माउस और डी प्रिंटर तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए एमपी थ्री फाइल एमपी थ्री फाइल मतलब की ये एक प्रकार की म्यूज म्यूजिक फाइल होती है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर होती है बल्कि जबकि ये की बोर्ड माउस और प्रिंटर क्या है ये हार्डवेयर आइटम के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न है पिलिंदा द ब्लैंक पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन इनमें से कौन सा पोर्ट है जो डेटा ट्रांसमिशन को बहुत स्लो मोशन में करता है ऑप्शन दिए हुए हैं ए सीरियल बी पैरल सी फायर वायर और डी यूएसबी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीरियल सीरियल क्या होता है सीरियल में एक ही सिंगल सिक्वेंसियल लाइन होती है जिसका यूज करके डेटा ट्रांसफर किया जाता है जबकि पैरल में क्या होता है एक साथ मोर देन वन लाइन्स मतलब एक साथ दो या दो से ज्यादा लाइन होती हैं तो डेटा क्या होता है पैरल में ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है ट्रांसमिट हो जाता है जबकि सीरियल में वो स्लो मोशन में ट्रांसमिट होता है अगला प्रश्न देखते हैं यूएसबी रिफर्स टू फिल इन द ब्लैंड यूएसबी किसको संदर्भित करता है ऑप्शन दिए हुए हैं आई स्टोरेज डिवाइस मतलब एक भंडारण उपकरण होता है दूसरा आप प्रोसेसर क्या यूएसबी एक प्रोसेसर होता है तीसरा है आप पोर्ट टाइप एक प्रकार का पोर्ट होता है और चौथा है डी नंबर का इस सीरियल बस मतलब एक सीरियल बस होती है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आप पोर्ट टाइप यूएसबी क्या है एक प्रकार का पोर्ट का प्रकार है मतलब बोलते हैं ना हमारे कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट है या नहीं माउस में यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्रकार के पोर्ट का प्रकार है अगला प्रश्न देखते हैं USB इन डेटा केबल्स स्टैंड फॉर जो डेटा केबल में USB होता है उसका पूरा नाम क्या होता है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए यूनिकोड स्मार्ट बस बी यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल बस सी यूनिकोड सीरियल बस और डी है यूनिवर्सल सीरियल बस तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल सीरियल बस अगला प्रश्न देखते हैं fill in द ब्लैंक इज used टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया devices लाइक वीडियो कैमरा किसका यूज हम वीडियो कैमरा जैसे ऑडियो और मल्... वीडियो मल्टीमीडिया उपकरणों को जोड़ने के लिए करते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं ए फायर वायर बी सीरियल पोर्ट सी पैरल पोर्ट और डी यूएसबी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फायर वायर अगला प्रश्न देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसबी निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी के गुण कौन सा यूएसबी का एक गुण होता है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म पर निर्भर तीसरा है सोर्स डिपेंडेंट मतलब स्रोत पर निर्भर और चौथा है डी नंबर का सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट मतलब सॉफ्टवेयर पर निर्भर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि ये किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है इंडिपेंडेंट होता है अगर आपके पास यूएसबी डिवाइस है जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई है तो आप पेन ड्राइव लगा के डायरेक्ट जो भी काम है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस ये उस पर कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा कि कंप्यूटर के अंदर कैसा डेटा है ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस सच एस प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंसिडर टू बी जो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल डिवाइसेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं ए हार्डवेयर बी सॉफ्टवेयर सी डेटा और डी इंफॉर्मेशन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं प्रिंटर मॉनिटर कीबोर्ड माउस ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्राम यूजर के द्वारा प्रोग्राम करने योग्य होती है ऑप्शन है इसमें ए डम टर्मिनल बी स्मार्ट टर्मिनल सी वीडीटी और डी इंटेलिजेंट टर्मिनल तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंट टर्मिनल अगला प्रश्न है, डम टर्मिनल्स, हैव टर्मिनल्स एंड इन द ब्लैंक जो डम टर्मिनल्स टर्मिनल्स होते हैं उसमें टर्मिनल के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं ए माउस बी स्पीकर सी कीबोर्ड और डी प्रिंटर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड डम टर्मिनल के साथ एक कीबोर्ड होता है जिसका यूज करके हम टर्मिनल के अंदर कीबोर्ड की का यूज करके हम कोई भी डेटा कोई भी इनपुट सेंड कर सकते हैं भेज सकते हैं अगला प्रश्न है विच बस कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर्स एंड पेरिफेरल्स कौन सी बस है जो प्रोसेसर और पेरीफेरल के बीच में सूचना पहुंचाने का काम करती है ऑप्शन है ए ऑटो बस बी डेटा बस सी एड्रेस बस और डी ऑल ऑफ दब मतलब उपरोक्त सभी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा बस डेटा बस जो है वो डेटा को सीपीयू से ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो अंक गणती गणनाएं करता है ऑप्शन दिए हुए हैं ए रजिस्टर बी ए एल यू सी लॉजिक बस और डी ऑल ऑफ दी अबव तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए एल यू ए एल यू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो मैथ्स से रिलेटेड कैलकुलेशन के साथ साथ जो लॉजिकल फंक्शन जो लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं वो भी करता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए एल यू अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम सीपीयू रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड्स निम्नलिखित में से क्या है जो रोम सीपी यू रैम और एक्सपेंशन कार्ड को स्टोर होल्ड करके रखता है इसके आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं ए हार्ड डिस्क बी फ्लॉपी डिस्क सी मदर बोर्ड और डी ऑल ऑफ दी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मदर बोर्ड जो मदर बोर्ड होते हैं उसी में रैम सीपीयू और भी जो एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं जैसे साउंड कार्ड है नेटवर्क कार्ड है ये सारी चीजें इन सभी चीजों को मदर बोर्ड होल्ड करके रखता है अगला प्रश्न है इट इज अ फिक्स्ड कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम यह एक फिक्स कंप्यूटर स्टोरेज का माध्यम है क्या है जो कंप्यूटर में फिक्स्ड होता है उसे हम रिमूव नहीं कर सकते बार बार ऑप्शंस दिया हुआ है ए हार्ड डिस्क ड्राइव बी मदरबोर्ड सी प्रोसेसर और डी साउंड कार्ड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क ड्राइव अगला प्रश्न है वॉट इज रैम रैम क्या है फुल फॉर्म इसका क्या है पूछा जा रहा है ऑप्शन दिए हुए हैं ए रैंडम एक्सेस मेमोरी बी रैपिड एक्सेस मेमोरी सी रैपिड एक्सेप्टेबल मेमोरी और डी रैंडम एक्सेप्टेबल मेमोरी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फुल फॉर्म है अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सर्वर सर्व एज द बैकबोन ऑफ सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो यू सिस्टम यूनिट के रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए सीपीयू बी पावर सप्लाई सी सिस्टम यूनिट और दी मदर डी मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन होता है और जो सीपीयू है वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है ऑप्शंस दिए हुए हैं ए मॉनिटर बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सी मेलवेयर और डी फेसबुक तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर अगला प्रश्न है अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कनेक्ट टू यूएसबी पोर्ट एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस रिमूव जो रिमूव हो सकती है उस जिसे यूएसबी यु, पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है वो क्या होती है चार ऑप्शन है इसमें ए ऑप्टिकल ड्राइव बी फ्लैश ड्राइव सी हार्ड डिस्क ड्राइव और डी फ्लॉपी ड्राइव तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लैश ड्राइव अगला प्रश्न है इट इनेबल्स यूर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट किसकी सहायता से निम्नलिखित में से हम किसकी सहायता से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं चार ऑप्शन हैं। ए हार्ड डिस्क ड्राइव बी ऑप्टिकल ड्राइव सी प्रोसेसर और डी मॉडेम तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मॉडेम मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज करके हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं अगला प्रश्न है इट इज ऑल्सो नोन एज सी पी यू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित में से किसे हम सीपी यू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं ऑप्शन हैं ए हार्ड डिस्क ड्राइव बी मदरबोर्ड सी प्रोसेसर डी सीमोस बैटरी तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर प्रोसेसर सर को ही सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है वॉट डज सीपीयू डू सी पी यू क्या करता है चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है बी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है सी फाइल्स फाइल को स्टोर करता है या डी कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर टूगेदर जो सबको एक साथ जोड़ता है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन जो सी होता है वो हमारे द्वारा यूजर के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साउंड कार्ड मॉडर्म कार्ड वीडियो कार्ड एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर सर्किट बोर्ड्स दैट एड्स डिवाइ एड डिवाइसेस एंड कैपेबिलिटीज टू द कंप्यूटर जो साउंड कार्ड मॉडेम वीडियो कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और सर्किट होते हैं वो ऐसे सर्किट बोर्ड हैं जो कंप्यूटर में डिवाइस और क्षमताओं को जोड़ता है मतलब वो क्या है चार ऑप्शंस इसमें हैं ए पोर्ट बी प्रोसेसर सी एक्सपेंशन स्लॉट्स और डी मेमोरी मॉड्यूल्स तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंशन स्लॉट्स जो एक्सपेंशन स्लॉट्स बने हुए होते हैं मदरबोर्ड में उसी में हम वीडियो कार्ड साउंड कार्ड मॉडर्म कार्ड इन सबको जोड़ सकते हैं अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स फिल इन द ब्लैंक जो है वो आदेशों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है ऑप्शन हैं ए फैचिंग बी स्टोरिंग सी डी कोडिंग और डी एग्जीक्यूटिंग तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एग्जीक्यूटिंग अगला प्रश्न है द सीपी यू कंटेंट सीपीयू में क्या क्या चीजें होती हैं ऑप्शन हैं ए इनपुट और आउटपुट बी सी यू और एल यू सी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और डी नन ऑफ दी एपाउट मतलब इनमें से कोई नहीं तो सीपीयू के अंदर दो चीजें होती हैं आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सी यू और एएलू मतलब कि सी यू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो ये दोनों चीजें जो होती है वो सीपी यू के अंतर्गत अंतर होती हैं अगला प्रश्न है एन इंटरनल कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड दैट फैसिलिटेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑडियो सिग्नल्स एक आंतरिक कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड होता है जो ऑडियो सिग्नल के इनपुट और आउटपुट की जो सुविधा होती है वो हमें प्रोवाइड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं चार ऑप्शन है ए वीडियो कार्ड बी मेमोरी सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और डी साउंड कार्ड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साउंड कार्ड साउंड कार्ड जो होता है अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप उस पर कोई भी सॉन्ग नहीं सुन पाएंगे इसके अलावा आप कोई भी रिकॉर्डिंग उसमें नहीं कर पाएंगे जब तक साउंड कार्ड नहीं होता अगला प्रश्न है इट इज रिफर्ड टू एस अ ग्राफिक्स एक्सीटर हुज फंक्शन इज टू जनरेट एन आउटपुट इमेज टू डिस्प्ले इसे एक ग्राफिक्स एक्सीटर के रूप में जाना जाता है जिसका कार्य इमेजेस को डिस्प्ले करना इमेजेस को डिस्प्ले पर उत्पन्न करना और आउटपुट प्रोवाइड करना है तो चार ऑप्शन है ए वीडियो कार्ड बी मेमोरी कार्ड सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और डी साउंड कार्ड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीडियो कार्ड जो वीडियो कार्ड होते हैं अगर आप हाई क्वालिटी का वीडियो या इमेजेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके कंप्यूटर पे वीडियो कार्ड होना जरूरी है अगला प्रश्न है पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूज टू टाइप इन इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर के किस भाग का उपयोग कंप्यूटर में जानकारी टाइप करने के लिए किया जाता है चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ए मॉनिटर बी माउस सी लैपटॉप और डी कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी जानकारी टाइप कर सकते हैं अगला प्रश्न है राज वॉन्ट्स टू प्ले इंटरव थ्री डी गेम यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर वॉट एडप्टर दैट राजस्टॉल एक राज नाम का इंसान है जो डेस्कटॉप में क्या करना चाहता है 3D डी इंटरटिव थ्री डी गेम खेलना चाहता है तो राज को कौन सा अडोप्टर इंस्टॉल करना चाहिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए साउंड कार्ड बी नेटवर्क कार्ड सी वीडियो कार्ड और डी जॉयस्टिक कार्ड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीडियो कार्ड जो वीडियो कार्ड होते हैं वो थ्री डी इमेजेस को या थ्री डी वीडियो को हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है द सी पी यू इज अटैच टू द द ब्लैंक इन साइड द कंप्यूटर सीपीयू कंप्यूटर से के अंदर द ब्लैंक से जुड़ा होता है किस से जुड़ा होता है ऑप्शन दिए हुए हैं ए रैम बी मदरबोर्ड सी हार्ड ट्राइफ और डी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड से जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है उसी के अंतर्गत सीपीयू जुड़े हुए होते हैं अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा इन सीपीयू सीपीयू में जो डेटा का फ्लो होता है उसे कौन कंट्रोल करता है ऑप्शंस हैं ए एलयू बी ओ एस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सी सी यू मतलब कंट्रोल यूनिट और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सी यू सी यू मतलब कंट्रोल यूनिट जो भी कंट्रोलिंग से रिलेटेड काम है वो कौन करता है कंट्रोल यूनिट करता है अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक होल्ड्स मैनी कंपोनेंट टू द सिस्टम एंड प्रोवाइड्स कनेक्टर फॉर अदर पेरिफेरल्स फिल इन द ब्लैंक सिस्टम जो होता है वो कई घटकों को धारण करता है और अन्य जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है उनके लिए कनेक्टर प्रोवाइड करता है चार ऑप्शन हैं ए यूएसबी, बी बी टच स्क्रीन सी मदर बोर्ड और डी सी पी यू तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मदर बोर्ड अगला प्रश्न है फिलिंद केबल्स कनेक्टेड फ्रॉम द पावर सप्लाई दैट गिव्स इलेक्ट्रिसिटी टू द टू द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिजली uh, जो पावर सप्लाई से जुड़े केबल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटकों को पावर देने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं ऑप्शन है ए पावर सिस्टम केबल बी डेटा केबल सी इंटरकूलर टर्बो और डी सिस्टम केस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पावर सप्लाई केबल पावर सिस्टम केबल्स अगला प्रश्न है कंप्यूटर बस इंटरफेस दैट कनेक्ट्स होस्ट बस अडोप्टर टू मास स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर बस का एक ऐसा इंटरफेस जो होस्ट बस अडोप्टर को मास स्टोरेज डिवाइस से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन है ए डेटा केबल बी पावर केबल सी पावर सिस्टम केबल और डी पावर सप्लाई तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेटा केबल अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड यूएसबी यूएसबी का आविष्कार किसने किया ऑप्शन हैं अजय वी भट्ट बी डगलस एंजल बार्ड, सी हरमन होलेरित और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजय वी भट्ट इन्होंने यूएसबी का आविष्कार किया अगला प्रश्न है इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट इमेज स्कैनर जो पहला इमेज स्कैनर है उसके आविष्कारक कौन है ऑप्शन है ए डगलस एंजल बार्ट बी हरमन होली सी रे कुर्जवील और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रे कुर्जवील इन्होंने फर्स्ट इमेज स्कैनर डेवलप दे, किया अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड बायोस जो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसका आविष्कार किसने किया ऑप्शन होलेरित बी कुर्जवील, सी अजय वी भट्ट और डी गैरी किलडॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैरी किलडॉल। जो गैरी किलडॉल है उन्होंने बायोस का आविष्कार किया अगला प्रश्न है इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड जो कीबोर्ड है उसका आविष्कार किसने किया ऑप्शन हैं ए रे कुर्जवील बी अजय वी भट्ट सी गैरी किरडोल और डी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया ऑप्शन है ए मार्टिन कूपर बी रे कुर्जवील सी अजय वी भट्ट और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्टिन कूपर इन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया अगला प्रश्न है इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क जो हार्ड डिस्क है उसके आविष्कारक कौन है ऑप्शन है एडम ऑसबोर्न बी रेनाल्ड बी जॉनसन सी पास्कल और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेनोल्ड बी जॉनसन इन्होंने ये आईबीएम कंपनी के थे इन्होंने हार्ड डिस्क का आविष्कार किया था अगला प्रश्न है इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्पीकर जो कंप्यूटर में स्पीकर यूज होते हैं उसका आविष्कार किसने किया ऑप्शन है A. Cooper, B. C. Das, या D. से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनावन पुराचीदास अगला प्रश्न है इन्वेंटर ऑफ माइक्रोफोन माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया ऑप्शन दिए हुए हैं ए एमिल बर् बर्लिनर बी पास्कल सी हैनरी और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एमिल बर्लीनर एमिल बर्लिनर बर्लीनर ने क्या किया था <coughs> माइक्रोफोन का आविष्कार किया था अगला प्रश्न है द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या था ऑप्शन है इंटेल 2002 B बी है इंटेल 4004 C Intel सी इंटेल और डी इंटेल इंटेल 1010 10. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटेल 4004 Intel 4004 इंटेल जो है वो पहला माइक्रो प्रोसेसर था अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन दिए हुए हैं ए एमिल बर्लिनर बी पास्कल, सी फेडरिको फेगिन और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेडरिको फैगिन ने पहला माइक्रोप्रोसेसर डेवलप किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ टचस्क्रीन टेक्नोलॉजी जो टचस्क्रीन टेक्नोलॉजी है उसके आविष्कारक कौन है थे ऑप्शन हैं ए जॉनसन बी पास्कल सी फॉरेस्टर और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ई ए जॉनसन लास्ट क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ यूपीएस यूपीएस के आविष्कारक कौन थे यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका आविष्कार किसने किया था ऑप्शंस दिए हुए हैं ए अजय वी भट्ट बी जॉन जे हैनली सी हरमन होलेरिथ और डी हेनरी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन जे हैनली ये यूपीएस के इन्वेंटर थे तो ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो हार्डवेयर होते हैं उसके क्वेश्चन थे हंड्रेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसको एक बार आप और रिवाइज कीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए